हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज आपके सामने है आइशर 333। ये हमारे को दोस्तों थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ, थोड़े थोड़े नाम के साथ दो तीन मॉडल इस ट्रैक्टर में आते हैं। जैसे कि ये है सुपर प्लस, एक आता है सुपर, फाइव स्टार में रहते हैं जी सभी मॉडल, और एक 333 सिंपल भी आता है। तो आप ये मान के चलो जी 33 HP और 38 HP और 36 HP के इस तरह के ट्रैक्टर दो तीन तरह के इसमें आते हैं जी। और एक मेरे चैनल पर वीडियो तो है दोस्तों, अगर आप वो देखना चाहें, वो सिल्वर कलर में है, वो 33 HP में है। तो दोस्तों अगर कैटेगरी की बात करें तो 40 HP की कैटेगरी में ट्रैक्टर आने वाला है ये। और अगर प्रॉपर बात करें ऑन पेपर में RC में इसके 36 HP लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों शो की, तो इसमें हमारे को सिंगल पीस बोनट जो है वो मिल जाता है। और अगर स्टिकर की बात करें तो इस तरह के हमारे को जो स्टिकर हैं इसके मिल जाते हैं, ऊपर ग्राफिक बने हुए स्टार हैं, और यहाँ पे हमारे को ये 3D कटिंग में प्लास्टिक का रबड़ जैसे मिल जाता है आइशर लिखा हुआ। और यहाँ पर हमारे 333 और 5 स्टार पावर स्टेयरिंग की बैजिंग और 45 लीटर का हमारे को डीजल का टैंक जो है वो मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसके साइलेंसर की, तो साइलेंसर हमारे को कुछ इस तरह का मिल जाता है, इसके ऊपर हीट गार्ड हमारे को मिल जाता है काफ़ी बढ़िया। और अगर बात करें एयर क्लीनर की, तो एयर क्लीनर दोस्तों हमारे को इसमें मिल जाता है 4-स्टेज ऑयल बार वाला, जो हमारे को इसमें एयर क्लीनर मिल जाता है, ठीक है जी। अब एक बार फ्रंट का लुक जो है वो चेक कर लेते हैं। इस तरह का फ्रंट का लुक हमारे को आ जाता है, आइशर का वही लोगो आ जाता है, और चकोर शेप में लाइटें और जाली इस तरह की हमारे को काफ़ी स्टाइलिश है जी। आइशर भी काफ़ी अपडेट हो रहा ट्रैक्टर, और कंपनी फिटेड बम्पर हमारे को इसमें मिल जाता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रंट एक्सल की, तो नॉन एडजस्टेबल हमारे को फ्रंट एक्सल मिल जाएगा। इसमें जो ज़्यादा काम जो है दोस्तों वो लोहे का है, जैसे आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लोहे का काम जो है वो ट्रैक्टर में ज़्यादा है फ्रंट एक्सल में। और डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग हमारे को इसमें मिल जाता है जी। इसमें काफ़ी फ़र्क है आम ट्रैक्टरों से, इसकी जो फिटिंग है आप यहाँ से चेक करो, इसका जो कुछ अलग सिस्टम बना है, दूसरे का कुछ जो होता है वो अलग होता है, जैसे कि हर एक कंपनी अपना अपना अलग ही बनाती है। और ट्रैक्टर एक बार पूरा देख लेते हैं, इस तरह का ट्रैक्टर हमारे को मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों टायर साइज़ की, तो आगे हमारे को 6-16 और पीछे 13-6-28 के टायर हमारे को इसमें मिल जाते हैं जी। और जो 33 HP का होता है उसमें आगे 6-16 और पीछे 12-4-28 के टायर हमारे को इसमें मिलते हैं। तो दोस्तों बात आ जाती है इंजन की। अगर दोस्तों इंजन की बात आती है जैसे ही आइशर ट्रैक्टर की, तो हमारे दिमाग में एकदम से चलने लग जाता है कि एयर कूलर इंजन होगा आइशर में, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें एयर नहीं, इसमें वाटर कूल्ड इंजन हमारे को मिल जाता है, क्योंकि आइशर का शुरू से जैसे एयर कूल से ही चलता हुआ आ रहा था। आप चेक कर सकते हैं, रेडिएटर अलमुनियम का मिल जाता है, फ़ैन वगैरह काफ़ी ठीक है, बढ़िया बना हुआ है। और इंजन अभी इसका खोल के देख लेंगे, बॉश का इनलाइन पंप मिल जाता है, डबल फिल्टर यहाँ मिल जाते हैं, वाटर सेपरेटर के साथ हमारे को इंजन मिल जाता है। तो दोस्तों बात आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 40 HP कैटेगरी और प्रॉपर 36 HP की पावर हमारे को इसमें मिल जाती है, 2365 CC और 2000 rated RPM वाला इंजन हमारे को इस ट्रैक्टर में मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें बोर स्टॉक की, तो बोर स्टॉक हमारा अगर MM में बात करें तो 89 यानी कि 89 और स्टॉक 127। अगर इंचों में बात करें तो बोर 3.5 और स्टॉक जो है वो 5 इंच का हमारे को इसमें मिल जाता है। और दोस्तों अगर बात करें ऑयल की, तो लगभग 9.5 लीटर इसमें मोबिल पड़ता है, जो यहाँ से हमारी जो गेज है यहाँ से आप अपना ऑयल वगैरह चेक कर सकते हो। और दोस्तों अगर इंजन का नाम की, जैसे मैंने आपको बताया, अगर सही से बात करें पूरा, तो ये हमारे को मिल जाता है सिम्पसन S324 डीजल इंजन जो हमारे को मिल जाता है। और अगर बात करें पंप की, तो यहाँ हाइड्रोलिक और पावर स्टीयरिंग हमारे को पंप जो एक ही लाइन में मिल जाते हैं, सेल्फ मोटर आ जाती है 12 वोल्ट में, अल्टरनेटर मिल जाता है 12 वोल्ट का, और दोस्तों यहाँ पर हमारे को हाइड्रोलिक वाला फिल्टर नीचे मिल जाता है साथ के साथ। और बैटरी बॉक्स की अगर बात करें दोस्तों, तो काफ़ी छोटा सा जो बैटरी बॉक्स हमारे को बना, बाकी काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है। और यहाँ पर जो हमारे पानी वगैरह की जो स्पेसिफिकेशन वगैरह होता है वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों एक बार आ गए हैं हम पीछे, तो ट्रैक्टर की जो पीछे का जो व्यू है कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है जी। एडजस्टेबल सीट, रिफ्लेक्टर आ जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पर हमारी चकोर शेप में आ जाती है, ये भी प्लास्टिक की लाइट बनी हुई है जी, इंडिकेटर इस तरह के हमारे को मिल जाते हैं।
और दोनों तरफ एडजस्टेबल लिंकेज आ जाती हैं इधर भी और इधर भी। और हमारे को अगर सेंसिंग पॉइंट की बात करें तो 3 पिन सेंसिंग पॉइंट मिल जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। आपको सिंगल वॉल मिलेगा लिफ्ट वाली ट्रॉली उठाने के लिए, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेंगे। सेंसिंग काफ़ी बढ़िया है जी, यहाँ से सिस्टम पूरा बना हुआ है। और हुक चेक कर लेते हैं दोस्तों, हुक भी हमारे को कुछ सही सही मिल जाती है। अगर बात करें पिछले हिस्से की तो ये हमारे को बुल एंड पिनियन वाला जो होता है जी, स्ट्रेट टाइप का जो पिछला हिस्सा है वो मिल जाता है। और अगर लिंकेज चेक कर लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया जो लिंकेज हमारे को मिल जाती हैं जैसी ट्रैक्टर की पावर के हिसाब से, ठीक है जी। पत्ती एक बार चेक कर लेते हैं, काफ़ी सही मिल जाती है। जैक वगैरह सिस्टम आ गया, जंजीर वगैरह कुछ नहीं है। ये अगर स्पीड की बात करें तो 540 मल्टी स्पीड और रिवर्स पीटीओ वगैरह इस तरह के हमारे को इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं जी। और अगर बात करें दोस्तों इसकी लिफ्ट कैपेसिटी की, तो इसमें हमारे को 1650 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर बात करें SFC की, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, यानी कि 251 किलोवाट वाली और HP वाली जो है वो 185 ग्राम मिल जाती है, ठीक है जी। तो दोस्तों हमारा जो प्लेटफॉर्म है जो दोस्तों वो इस तरह का बना हुआ है, थोड़ा सा बीच में बम्प आया था उठा हुआ, और इस तरह के हमारे को यहाँ पर पैरदान मिल जाते हैं। अगर दोस्तों बात करें ब्रेक की, तो इसमें हमारे को OIB यानी कि ऑयल मस्ट ब्रेक मिल जाती है। डिस्क ब्रेक है तेल में डूबे हुए, यहाँ से आप पाइप भी चेक कर सकते होते हैं। ब्रेक का एक हमारे को फिल्टर भी मिल जाता है। हाँ जी दोस्तों, बोनट मैंने आपको खोल के दिखा दिया जी, आगे को बहुत ही सिंपल सिंगल पीस बोनट हमारे को मिल जाता है ट्रैक्टर में। और अगर बात करें एयर क्लीनर की, जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी लंबा है जी, 4 स्टेज ऑयल बार वाला हमारे को एयर क्लीनर मिल जाता है। और जैसे आजकल अपडेट हो रहा है जी, आशर भी काफ़ी जाली लगा दी एक्स्ट्रा, ऊपर को निकल जाती है, छोटा मोटा कबाड़ यहीं पर अटक जाता है। ये काफ़ी बढ़िया सिस्टम आ गया। और ऑटो फिल का अगर बात करें तो अपने आप कूलेंट यहाँ से भर जाता है, जैसे कारों में होता है, अगर कम हो तो अपने आप चले जाता है, ठीक है जी। और दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इसके पावर स्टीयरिंग का ऑयल, तो अभी तक हमारे को अलग से नहीं मिलता, इसका अंदर से आता है, ठीक है। और यहाँ से हमारे को ट्रैक्टर देखने में, अगर इंजन की बात करें तो इस तरह का हमारे को ट्रैक्टर मिल जाता है, जैसे कि मैंने बता दिया सैमसंग कंपनी का। और नोजल वगैरह ऊपर से इस तरह लगी हुई है जी, पूरा देख लो जी बढ़िया करके, ठीक है। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना छोटा। तो दोस्तों सीट हमारे को इस तरह की मिल जाती है, मरगाट वगैरह भी काफ़ी सही मिल जाते हैं ऊपर बैठने के लिए। तो दोस्तों ये आ जाता है जी इस ट्रैक्टर का ऊपर का जो व्यू है वो इस तरह का। इसमें आपको मनचाहे कलर मिल जाते हैं, ब्लू, सिल्वर और शायद एक दो कलर और होंगे, वो बता दूंगा मैं पता करके। और ऊपर आपको पावर स्टीयरिंग नोब वाला स्टीयरिंग मिल जाता है, यहाँ से पकड़ के चलाओ बड़े आराम से, हाथ वाली रेस यहाँ आ जाती है जी। और दोस्तों ये आ गया इसका जो मीटर है इस तरह का, एनालॉग सिस्टम है जी सुई वाला। इसमें यहाँ पर हमारे को डीजल मीटर और ऑयल प्रेशर का और हीट का और यहाँ बैटरी का सभी मीटर हैं इसमें। बत्ती सिर्फ बैटरी की जो ये डेड वाली आती है यहाँ। और यहाँ आपको मिल जाएगा डिजिटल मीटर भी मिल जाएगा साथ के साथ, इसमें आपको जो घंटे वगैरह होते हैं वो डिजिटल मिल जाएंगे, ठीक है जी। और ये स्पीड है दोस्तों, इसमें स्पीड भी आएगी यहाँ से, ये देखो जी, ये ऐसे करके स्पीड नहीं दोस्तों, ये RPM का मीटर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे को चाबी मिल जाएगी इस तरह की, स्विच वगैरह आ जाएंगे यहाँ, ब्रेक जैसे मैंने बताया आपको तेल में डूबे हुए, हैंड ब्रेक यहाँ आ जाती है जी। बात कर लेते हैं दोस्तों गियर बॉक्स की, 1, 2, 3, 4 और एक बैक और एक हाई लो, यानी कि यहाँ हमारे को मिल जाते हैं हाई लो को मिला के जैसे 8 आगे के और 2 पीछे के। और दोस्तों अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो इसमें हमारे को कॉन्स्टेंट मैश मतलब कंबाइंड मिल जाता है, कॉन्स्टेंट मैश और स्लाइडिंग मैश कंबाइंड मिल जाता है इसमें, ठीक है। और दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इसके क्लच की, तो इसमें हमारे को डबल क्लच सिंगल क्लच का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ हमारे को मिल जाती है एक बॉक्स मिल जाता है दोस्तों, यहाँ चार्जर भी है इसके अंदर, आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो बहुत ही आराम से। और दोस्तों ये आ जाता है हमारा जो है ये PTO का लीवर, ठीक है। तो ट्यूब वगैरह भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी बढ़िया ट्यूब ऊपर से हमारे को दिखाई दे रही हैं। और अब आ जाती है राइट साइड की बारी, राइट साइड में दोस्तों हमारे को DC लीवर PC लीवर दोनों मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया, एक पीले रंग में आ गया और एक DC लीवर जो हमारे को काले रंग का मिल जाता है जी। लिफ्ट सेट करने के लिए हमारे को इसमें मिल जाती है एक ये सिस्टम, ये वाला, इसको ढीला करके हम ऊपर नीचे करके ऐसे सेट कर सकते हैं अपनी लिफ्ट भी, ठीक है। कि मैंने फीचर की बात इसलिए करी कि जितने किसान को लगभग ज़रूरत होती है उतने लगभग फीचर ट्रैक्टर में हैं। और दोस्तों अगर एक चीज़ मैं इसमें आपको दिखाऊँ ना मैं, तो इसमें एक चीज़ सबसे बढ़िया मेरे को ये लगी है कि बाई चांस आपकी लिफ्ट ख़राब हो जाती है, कोई दिक्कत आती है, तो आपको टापा नहीं खोलना पड़ेगा, आपका काम यहीं से हो जाएगा जी बाहर से।
यहाँ से, लिफ्ट की जो स्पीड यहाँ से हो जाती है, बाकी सेटिंग वगैरह यहाँ आ जाती है, बाहर से आपका काम जो है वो हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, ट्रैक्टर का कलर कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा, कोई वीडियो में कमी रह गई हो तो वो भी बता दिया करो ताकि आने वाली वीडियो में मैं सुधार कर सकूँ। बहुत हमारे भाई ऐसे हैं जो मेरे को मेरी यहाँ कमियाँ बताते रहते हैं, जिसके मेरे को अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है जी, मैं और इंडिकेटर यहाँ मिल जाते हैं जिससे कि आने वाली वीडियो में मैं सुधार कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूँ दोस्तों तो बिल्कुल पूरा कन्फर्म तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं एक बार आपको एवरेज बता देता हूँ, 6.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर लगभग आपको ये मिल जाएगा। जैसे कि वीडियो उत्तराखंड से है, आप यूपी से हो सकते हो, पंजाब से हो सकते हो, पंजाब हरियाणा में थोड़ा रेट कम रहता है, अदर स्टेट जैसे हमारा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा रेट है मेरे ख्याल से। तो इसी तरह आप अगर ट्रैक्टर लेना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी शोरूम से जाके कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बता दी है जी, लगभग 6.5 लाख का ट्रैक्टर आपको ये मिल सकता है जी, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जी, वीडियो को लाइक अपने यारों दोस्तों में शेयर करना, हो सकता किसी के काम आ जाए। वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।